सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थॉर कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो को देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है क्या, पहले आप सभी को बैकग्राउंड को डाउनलोड करके पिक्सआर्ट में ओपन करना है। फिर इसके बाद जाना है आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को कुछ अपना मॉडल को इस टाइप से ले लेना है। एंड इसके बाद आप सभी को इसको मैं पहले रोटेट कर देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रोटेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली फिक्स करता हूँ। एंड अभी डन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अभी एक इसका डुप्लीकेट और बनाना है। तो गाइस इसे डुप्लीकेट क्यों बनाना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सिंपली। इसको ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें इरेजर टूल में नहीं जाना है, इसमें जाकर टाइप करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है एंड इसको सिंपली यहाँ पे मर्ज कर देना है इस जगह पे। एंड जाना है यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जाना है मेरे को कलर वाले ऑप्शन में, कलर्स वाले में। एंड इसका जाना कलर आइज में। एंड उसके बाद आप सभी को उसके ह्यू को माइनस में रखना है एंड यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से डन कर देना है। एंड इसके बाद जो है आप सभी को यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड में एंड इसको यहाँ पे जाकर स्क्रीन कर देना है। एंड जाना आप सभी को रिजन टूल में इन्वर्ट कर देना है। ब्रश में जाकर आप सभी को सिंपली साइज को बढ़ाकर आप सभी को साइड में इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर देना है, ताकि जो गाइज आप सभी को उस साइड दिख रहा होगा हमारे वहाँ से जो ब्राइटनेस एंड जो फायर आ रहा है उसका जो मतलब रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़े, इसलिए मैंने आप सभी को एक पीएनजी बनाया है, ठीक है। तो ये कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस सिंपली मैं इसको यहाँ से इतना कर लेने के बाद अब इसमें यार ये थोड़ा मतलब कि ज़्यादा दिख नहीं रहा था, उसको हम डुप्लीकेट एक बार और कर लेंगे एंड सिंपली हम इसको यहाँ लगा देंगे। तो गाइस हमारे हैंड के पास जो है ये डुप्लीकेट वाला कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो यार इसको हम इरेजर टूल में जाकर खाली हैंड के पास से इरेज कर देंगे, ठीक है। इरेज यहीं से इरेज करना है एंड उसके बाद यहाँ से हम सिंपली डन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम जो था हमारा तो हो चुका है। तो अब उसके बाद जो है हमें गाइस यहाँ पे एक पीएनजी और लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हमें ये वाला पीएनजी ले लेना है, ठीक है। इस वाले पीएनजी को आप सभी को यहाँ पे सिंपली अपने जो आपके शोल्डर है वहाँ पे आप इसको इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देने के बाद जो आपको साइड में दूसरा वाला दिख रहा है उसको आपको सिंपली इरेज कर देना है। तो इरेजर टूल में जाएंगे एंड इरेज पे क्लिक करके सिंपली हम इसको इरेज कर देंगे, ओके। सो उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है, ऐसा डन कर देंगे। एंड ऐड फोटो में जाएंगे, दोबारा इसी पीएनजी को हम वापस से ले लेंगे, ठीक है। इस पीएनजी को ले लेने के बाद पहले मैं इस पीएनजी को ले लेता हूँ एंड इसको इस पीएनजी को जो है वो साइड वाला जो भी हमने इस साइड लगाया उसी वाले को हम इधर लगाना है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करके इसको यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, इसको यहाँ लगा दूंगा। और उसके बाद जो है जो दूसरा वाला बच रहा है उसको रिजल्ट में जाकर सिंपली इरेज कर दूंगा। तो इसके यहाँ से हम इरेज कर देते हैं एंड ऐसे कर देते हैं डन, ओके गाइस। तो उसके बाद जो है आप सभी को दोबारा से ऐड फोटो में जाना है। आप सभी को एक मैंने हमारे का पीएनजी दे रखा है तो आप सभी को सिंपली वो ले लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे अपने हैंड के पास यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लगा देना है एंड यहाँ पे आपको सो इस तरीके से अच्छे से थोड़ा बड़ा करके साइज़ को यहाँ पे लगा देना है। एंड इसके बाद आप सभी को जाना है इरेजर टूल में, ठीक है, ओपेसिटी को कम कर देना है। फिर जाना इरेजर टूल में एंड इसकी जो हार्डनेस है इसको फुल कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली आप सभी को यहाँ से इरेज कर देना है, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी का हैंड से ज़्यादा मतलब बाहर का इरेज ना हो जाए, ठीक है। तो बस हैंड तक का इरेज करना, बाकी तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से इरेज कर देते हैं, बाकी इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया रह गया, ज़्यादा इरेज हो गया, तो मैं इसके यहाँ पे पहले पूरा फिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे हो गया। तो इसको बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। तो ओपोसिटी को फुल कर देते हैं एंड यहाँ से कर देते हैं हम डन, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से डन कर देते हैं एंड इसके बाद जो है अभी आप सभी को एक जो बिजली का पीएनजी है गाइस उसको भी लगाना है, ठीक है। तो हम इस पीएनजी को ले लेते हैं एंड ऐसे हम पहले इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करते हैं, स्क्रीन कर देते हैं एंड सिंपली हम इसको यहाँ से इस तरीके से जूम करेंगे एंड यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को जो थोड़ा सा हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा था उसको हम पहले इरेज कर लेते हैं इरेजर टूल में जाके एंड हार्डनेस को फुल करके यहाँ से सिंपली इरेज कर देंगे, ओके। सो उसके बाद जाएंगे यहाँ से डन कर देंगे एंड उसके बाद इसको इसी को हम पहले डुप्लीकेट करेंगे। और सॉरी गाइस पहले यहाँ पे हमारा इरेज हो चुका है, थोड़ा मैं इसको पहले पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डन करके फिर उसके बाद जाएंगे हम इस पर डुप्लीकेट में एंड यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे एंड उसके बाद हम सिंपली इस तरीके को इधर से रोटेट करके इस तरफ से हम यहाँ की तरफ लगा देंगे, ओके गाइस। तो यहाँ तक काम जो था हमारा हो चुका है। तो गाइस अभी जो है हमें ना थोड़ा सा डार्क रिफ्लेक्शन देनी है हमें अपने यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे हम यहाँ पे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद पहले हम यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ से कलर सिलेक्ट मत करना, पहले आप सबको यहाँ पे प्रेस करके एंड यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है, क्योंकि यार यहाँ से जो है ना एकदम परफेक्ट कलर सिलेक्ट होता है, क्योंकि यार हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ना कभी कभी तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे तो पूरा परफेक्ट होता है। तो गाइस हम जाएंगे इस बार ब्रश में। ब्रश में जाने के बाद स्मूथ वाला ब्रश लेंगे, इसके ऊपर से डिफ फुल कर देंगे,
एंड साइज को बढ़ा के एंड सिंपली इस तरीके से एक पेंट करेंगे। मैं जाएंगे यहाँ से लेयर में जाएगा ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। ओके सो उसके बाद जो है गाइस आप इसको चाहो तो स्क्रीन भी रख सकते हो, ठीक है। पर स्क्रीन में इतना खास लगा नहीं रहा है ये, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा मतलब क्यों ना ज़्यादा चमक सा रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि ना आप स्विगले इसको मल्टीप्लाई रखें, ठीक है। आप मल्टीप्लाई रखोगे ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो है ना। अब इसकी अब बस अगर थोड़ी सी बस ओपेसिटी ज़्यादा हो रही है, बस उसको हम मैनेज कर लेंगे यहाँ से नीचे से लेयर से, ठीक है। तो इसको हम कम कर देंगे। तो गाइस यहाँ से जो है काफ़ी अच्छी लग रही है फोटो हमारी, तो आप सभी को ये जरूर करना है एंड सबको डन कर देना है। एंड बाकी जो है यहाँ पे हमें शेडो की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डार्क कर देंगे ना, तो इसमें शेडो की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारी शेडो इसमें दिखेगी नहीं, तो हम इसको ऐसे माइनस में कर देंगे ब्राइटनेस को एंड इसके अंदर से इन्वर्ट में जाके ब्रश में जाके हार्डनेस को कम करके ओपेसिटी को कम करके साइज को बढ़ा के सिंपली ऐसे पेंट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसे कर देंगे डन। तो इतना काम हो जाने के बाद आप सभी को एक PNG का और रह जाता हमारा, जो PNG है मैंने आप सभी को दे रखा, जो कि मतलब कि फायर PNG है, जो कि हमारे मतलब कि कपड़ों के पास आसपास जाएगा, ठीक है। तो उस PNG को पहले मैं ले लेता हूँ, मैंने वो PNG भी आप सभी को दे दिया है, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से पहले हम PNG को ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस तो यहाँ से PNG हमारा जो है PNG हमारा काफ़ी दूर है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यूज़ किए हुए से, तो ये PNG हमने ही ले लिया है, ठीक है। तो इस PNG को हम सिंपली यहाँ पे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं स्क्रीन एंड इसका इसको फुल कर देते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे माइनस में ओपेसिटी, ठीक है, एंड इसके बाद कर देंगे यहाँ से डन। एंड अब बात आती है हमारी जो कि है इसमें डोजेंट बन की, ठीक है। तो हम ऐसे जाएंगे टूल्स में जाने के जाएंगे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड इन्वर्ट कर देंगे ब्रश के साइज़ को, कम कर देंगे थोड़ा सा एंड यहाँ से जूम करेंगे सिंपली। जूम कर देने के बाद हम फेस पे कुछ इस टाइप से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एक ऐसे एंड ऐसे कर देंगे डन। एंड जो इसकी ओपेसिटी कर देंगे कम, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है हमारे यहाँ पे। तो अभी हमें एक बार और कपड़ों के ऊपर भी करना है, तो हम ऐसे जाएंगे टूल्स में, फिर यहाँ जाएंगे एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, इन्वर्ट में जाके कम कर देंगे ब्रश का साइज एंड उसके बाद हम सिंपली एक ड्रॉ इधर, एक इधर और एक इधर पैंट के ऊपर, एक इधर और बस इतना ही। एंड इसके बाद जो ओपोसिटी इसकी कम कर देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ से ओपोसिटी हमने कम कर दी है, तो यहाँ से कर देंगे डन। एंड जो गाइस है हमारी रहती है फोटो की कलर करेक्शन, तो हम फोटो यहाँ सेव करते हैं एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अगर आप सभी से वीडियो को लाइक करना भूल गए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आपकी एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार आप सभी को जो भी नई वीडियो डालूँ मैं उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो जो ऐड हो चुकी है, तो गाइस हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को कम कर देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो वाइट है ब्लैक है इसको हम कम कर देंगे एंड वाइट को हम अब बढ़ाएंगे, ठीक है। वाइट को बढ़ा देंगे एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर जो इसको हल्का सा माइनस में रखेंगे 6 तक एंड जाएंगे मिक्स में एंड ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देंगे एंड जो ल्यूमिनस इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जाएंगे हम येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में चलते हैं। सो उसके बाद ह्यू है जो इसको माइनस में रखना है एंड जाना आप सभी को ये ब्लू वाले में इसकी सैचुरेशन को माइनस में कर देना है एंड यहाँ से कर देना है डन। एंड जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, टेक्स्चर है जो इसको आपको हल्का सा बढ़ा देना है, क्लियरिटी है इसको हल्की सी आज कम करनी है आपको, ठीक है, फोटो की जो क्लियरिटी इसको कम करनी है। एंड जो विगनेट है आपको हल्का सा माइनस में रखना है एंड जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फेदर है जो इसको आपको बढ़ा देना है एंड रोडनेस को भी कम कर देना है, ठीक है। एंड इसका जो ग्रेन अमाउंट है इसको बढ़ा देना है एंड जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है और जो डिटेल है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड नोइज रिडक्शन है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो कलर नोइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है एंड जाना आप सभी को सिलेक्टिव टूल में, ठीक है। पहले हम ऐसे बैक चलते हैं, चलते हैं सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में जाएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे, सबसे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम प्रेस करते ऊपर तक लाएंगे एंड इसकी जो एक्सपोजर इसको कम करेंगे एंड अगेन इस पर प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, सर्कल वाला ऑप्शन लेंगे एंड इसको हम सिंपली इस तरीके से साइज को बढ़ा करके एंड यहाँ ले आएंगे एंड इस पर प्रेस करके रखेंगे एंड इन्वर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे इस वाले ऑप्शन में एंड ऐसे कर देंगे क्लियरिटी को बढ़ा देंगे एंड जाएंगे अगेन इस सर्कल वाले ऑप्शन में, इसको हम सिंपली यहाँ पे रखेंगे फेस के पास एंड यहाँ से जाएंगे एंड एक्सपोजर को बढ़ा देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पे हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को फोटो भी एंड वीडियो दोनों पसंद आई होगी यार। अगर पसंद आई तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस इसी तरह मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।